सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। जब वो देश के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं कि 500 बल्कि 700 किसान जो जिनकी मौत हुई है थ्री फार्मूलाज के तहत, यकीनन वो तो मोदी सरकार की जिम्मेदार है। मगर सबसे अहम बात यह है कि एक गवर्नर ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने जब सच्चाई को बयान किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नाराज़ हो गए। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि प्रधानमंत्री देश की जनता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री अपनी सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर की सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और उनका सच्चाई को नहीं सुनना और ना मानना, ये इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता की तकलीफ से बिल्कुल दूर है। वो यकीनन एक ऐसे बादशाह हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ और अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, तो वो सच्चाई को, क्रिटिसिज्म को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने जो कुछ कहा सही है। और ये जो किसान लॉस को जो वापस लिया गया, मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि बीजेपी ने हालत मजबूरी में किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि ज़मीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, इसीलिए उन्होंने हालत मजबूरी में, पॉलिटिकल कंपल्शन था। मगर ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो एक गवर्नर कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या तो उसका बताएं कि क्या वो बात सच कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, क्योंकि ये सब सही है, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। सर, जो हालात हैं कोविड को लेकर, उस पर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो रैलियों को लेकर प्रधानमंत्री ने एक पहल की है कि रैलियां कम की जाएं और ई रैलीज किए जाएं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की तरफ से रैलीज हो रही है, सब पार्टीज तरफ से रैलीज हो रही है, हमारी पार्टी भी रैली कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन के आचार संहिता लगने के बाद ये देखना पड़ेगा। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार ने जो बूस्टर शॉट का जो हमने डिमांड किया था वो अब तक क्यों नहीं लगाया आपने? आपने सितंबर में ऑर्डर क्यों नहीं दिया उसको? आज आपने बायोलॉजिकल ई को दिया है ऑर्डर, कब दिया आपने और वो कब आएंगे? वो जो प्रिकॉशनरी या बूस्टर शॉट बोल रहे हैं, और वो सिर्फ इमरजेंसी ऑथराइजेशन है। बूस्टर शॉट लगना चाहिए हमारे हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, मगर वो है नहीं ना। वैक्सीन कहाँ है? वो तो जनवरी के एंड में आएगा। तो आप बूस्टर शॉट लीजिए, बूस्टर शॉट मुहैया कराइए देश की जनता को। जो कोविड की सेकेंड वेव में गलती की थी, दोबारा अब आप कर रहे हैं। सर, आज बच्चों के लिए, आज बच्चों के लिए, आज 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 बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू की गई है। हम आपके आपके जरिए से, बल्कि हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारान भी कोशिश कर रहे हैं कि 15 साल और 18 साल के दरमियान में जो आज वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है, MIM पार्टी पूरी जनता से अपील करेगी कि फौरन 15 और 18 साल के दरमियान के बच्चे और बच्चियों को फौरन वो ये वैक्सीनेशन लगाना का शुरू का काम करने का शुरू करें। MIM ओपनली आतिकी अहमद को और उनके बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका नहीं? देखिए, आतिक साहब तो हमारी पार्टी में है, तो अजय मिश्रा टेनी, उनका बेटा जिस पर मर्डर का मुकदमा है, वो यूनियन कैबिनेट के मंत्री हैं, और बीजेपी के पास अभी मौजूदा उत्तर प्रदेश में 37% ऐसे MLAs हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो और फिर भोपाल की MP हैं जिन्होंने गोडसे की तारीफ की, तो ये सब चीज़ें हैं। सर, अभी ये मामला उठाना, सेंटर को अटैक करना नहीं होगा, पावलो उसको तो अभी रिपील कर दिए थे, मगर अभी यूपी का एजेंडा नहीं है। किसका? ये जो अभी सेंटर के ऊपर अगेंस्ट सत्यपाल मलिक बोलना और अपोजिशन को टारगेट करना, ये कितना तक आप देखते हैं? अरे, आप तो ऐसा बीजेपी स्पोक्सपर्सन की तरह मुझसे सवाल कर रहे हैं। गवर्नर है, मजाक है क्या? कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी साहब हेड कर रहे हैं, उनका अपॉइंटी है। अब आप अगर गवर्नर की बात का यकीन नहीं करेंगे, चलिए आप OVC की बात का यकीन नहीं करेंगे, मगर गवर्नर है ना, गवर्नर कह रहा है कि प्रधानमंत्री सच्चाई सुनने तैयार नहीं है। और कितनी बेहिसी से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी वजह से मरे। हाँ, आपके कानून बनाने की वजह से किसान मरे, आप ही के कानून बनाने से बने, सारा देश जानता है। मगर 10 मिनट में प्रधानमंत्री गवर्नर से, वो खुद कह रहे हैं कि उनसे बहस हो गई, झगड़ा हो गया,
ये ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा है, गवर्नर का ओहदा भी है। प्रधानमंत्री एक यकीनन एक बादशाह बने हुए हैं और बादशाह सलामत के दरबार में सिवाय तारीफ के और सर झुकाने कुछ मिलता नहीं था। मगर ये जमहूरियत है ना, ये तो लोकशाही है, कोई भी आकर किसी के बारे में कह सकता है, मेरे बारे में कह सकता है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री और ज़्यादा सच्चाई को सुने। कड़वी ज़रूर है, जैसा कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कीमतें बढ़ चुकी हैं, ये प्रधानमंत्री अगर नहीं सुनना चाह रहे तो हम पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आप तक पहुंच जाए यह बात। हाँ, हैदराबाद के दो लड़कियों को, हैदराबाद के भी मैंने पूरे देश के जो मुसलमान पढ़े लिखे महिलाएं हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, अपने आप में काबिल हैं, उनके ताल्लुक से आप उनके हर्राज का ऐलान करते हैं, उनके ऑक्शन का ऐलान करते हैं, ये कौन लोग हैं ये? और देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। अरे भाई, ये मुसलमान ज़रूर है मगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसमें एक 65 साल की महिला भी है। एक गंदगी की हद हो गई है, ये तो दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ख़ास तौर से MHA में जो काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल है वो हरकत में आए। काउंटर रेडिकलाइजेशन सेल तो सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता, इनके लिए इस्तेमाल करें। आखिर कौन है ये लोग जो इतने रेडिकलाइज होकर देश के महिलाओं को, देश के बच्चियों को उनकी तस्वीर डालकर इस तरह से उनसे बर्ताव कर रहे हैं? ये तो पूरे देश को कंडेम करना चाहिए इसको। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।